नमस्ते दोस्तों, आज सुनो एक मजेदार कहानी। कहानी है एक शरारती बंदर की जिसका नाम था मोती। मोती था बड़ा ही मस्तीखोर और बहादुर। उसे हमेशा रोमांच पसंद थे। रहता था मोती एक बड़े से घने जंगल में, जो था बड़ा ही जादुई। इस जंगल में छुपे थे ढेरों राज जिन्हें जानने के लिए सब रहते थे बेकरार। तो चलो शुरू करते हैं मोती के पहले एडवेंचर की दास्तां। एक दिन मोती ने सोचा, क्यों ना आज जंगल के उस हिस्से में जाऊं जहां आज तक कोई नहीं पहुंचा। दोस्तों को अलविदा कहकर मोती निकल पड़ा। जंगल में चलते चलते उसे दिखा एक पुराना दरवाजा जिस पर बने थे अजीब से निशान। लगता था यह दरवाजा किसी पुराने मंदिर का हिस्सा है। थोड़ी हिम्मत करके मोती ने खोला दरवाजा और सामने का नजारा देखकर रह गया दंग। दरवाजे के पीछे था एक सुंदर बगीचा, रंग बिरंगे फूलों से सजा। इधर उधर उड़ रही थी तितलियां, मानो कोई जादुई दुनिया हो। बगीचे में टहलते टहलते मोती की नजर पड़ी एक बड़ी सी झील पर। झील के पानी में चमक रही थी नीली पीली रोशनियां। मोती ने देखा कि झील के बीच में है एक छोटा सा आइलैंड। अपने बहादुर दिल की सुनते हुए मोती ने झील में लगाई छलांग और पहुंच गया आइलैंड तक। और जैसे ही वो आइलैंड पर पहुंचा, उसे मिला एक बड़ा सा चमचमाता मोती। ये मोती था जादुई, और जैसे ही मोती ने उसे छुआ, उसे मिल गई अद्भुत शक्तियां। अब तो मोती बन गया और भी बहादुर और ताकतवर। उसने सोचा कि अब तो वो इस जादुई जंगल के सारे राज खोज निकालेगा। तो दोस्तों, मोती का पहला एडवेंचर तो हो गया खत्म, लेकिन उसकी कहानी अभी बाकी है। और रोमांचक कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को लाइक भी कर दो। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली बार एक और मजेदार कहानी के साथ।